गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यस्टरडे वी हैव डन क्वेश्चन आंसर्स एंड टूडेज आर टॉपिक इज व्हाट इज एन एटम। एटम किसे कहते हैं? ठीक है, तो हैव यू एवर ऑब्जर्व अ मेसन बिल्डिंग वॉल्स? फ्रॉम दीज वॉल्स आर रूम एंड देन अ कलेक्शन ऑफ रूम्स टू फॉर्म अ बिल्डिंग। क्या कभी आपने देखा है जो एक राजमिस्त्री है, सबसे पहले वो दीवारें बनाता है, दीवारों से एक घर बनाता है और जब डिफरेंट रूम्स कलेक्ट हो जाते हैं तो एक बिल्डिंग बनती है। ठीक है, व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूज बिल्डिंग्स? बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? इतनी बड़ी बिल्डिंग किससे बनी है? व्हाट अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एंट हिल? एंट हिल का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? इट इज अ स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड, रेत का एक छोटा सा कण है। सिमिलरली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर्स आर एटम्स, ऐसे ही बिल्डिंग ब्लॉक सभी मैटर्स का क्या है? एटम्स। क्लियर? सभी जो मैटर है, आइदर सॉलिड लिक्विड और गैस, उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक का एटम है। जैसे हमारी जो बॉडी है उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक सेल है। अगर हमारी बॉडी में सेल प्रॉपर नहीं होंगे, ठीक है, तो हमारी बॉडी जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही हमारी बॉडी जैसे सेल के ऊपर डिपेंड है, सभी मैटर्स है, कोई भी चीज है अर्थ के ऊपर, चाहे वो सॉलिड है, चाहे लिक्विड है, गैसेस है, उनका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है एटम्स। हाउ बिग आर एटम? एटम कितने बड़े होते हैं? एटम्स आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं। एंड दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद, इतने छोटे होते हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स व्हेन स्टैक्ड वुड मेक अ लेयर ऑफ बार्ले एज थिक एज द शीट ऑफ पेपर। मिलियंस ऑफ एटम्स भी अगर जुड़ जाए तो, इकट्ठे हो जाएं तो एक लेयर बना देते हैं बार्ले की, ठीक है, जौ की, जैसे एक जौ के बीज की एक लेयर्स बना देते हैं, एज थिक एज शीट ऑफ पेपर, एक पेपर ऑफ शीट के जैसे। क्लियर? एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स, जो एटॉमिक रेडियस है एटम की वो नैनोमीटर में मेजर होती है। 1/10^9 मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर, ठीक है, जहां हम ऐसे लिख सकते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 10^9 नैनोमीटर। क्लियर? आगे डिफरेंट साइज है, रिलेटिव साइज, रेडियस इन मीटर, ठीक है। तो एग्जांपल है 10^-10, किसकी रेडियस है? एटम ऑफ हाइड्रोजन के एटम की रेडियस है। उसके बाद 10^-9 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की रेडियस है इन मीटर, रेडियस इन मीटर। उसके बाद नेक्स्ट है 10^-8 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन इम्पार्ट रेड कलर टू आर ब्लड वेसल्स, ठीक है। आरबीसीज का कलर रेड क्यों होता है? हीमोग्लोबिन नाम के प्रोटीन के लिए, है ना, हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है, हीम जो ब्लड, और प्रोटीन का ग्लोबिन प्रोटीन जो हमारे ब्लड का रंग लाल है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। उसके बाद 10^-2 एंट की है रेडियस। उसके बाद 10^-1 वाटरमेलन की है, तरबूज की है, ठीक है। डिफरेंट रेडियस है हाइड्रोजन की, वाटर की, हीमोग्लोबिन की, ग्रेन ऑफ सैंड, एटम और वाटरमेलन, ठीक है। अगर कोई आपसे एटम की रेडियस पूछेगा तो आप बोलोगे उसे नैनोमीटर में मेजर किया जाता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 10^-9 नैनोमीटर। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है वी माइट थिंक दैट इफ एटम्स आर सो इनसिग्निफिकेंट इन साइज व्हाई शुड वी केयर अबाउट देम। अगर हम ये सोचते हैं कि अगर एटम्स इतने स्मॉल है तो हमें क्या जरूरत है उनकी केयर करने की, क्यों? दिस इज बिकॉज आर एंटायर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम। ये ऐसा इसलिए है कि हमारा जो पूरा एंटायर वर्ल्ड है, पूरी दुनिया एटम से ही मिलके बनी है, ठीक है। जैसे जो पूरी दुनिया किससे बनी है? मैटर से। तो मैटर किससे बना? एलिमेंट से। और एलिमेंट किससे बने? एटम से, ठीक है। वी मे नॉट बी एबल टू सी देम, हम उन्हें देख नहीं सकते, बट दे आर देयर एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग वट एवर वी डू, ठीक है। पर उनका हमारी लाइफ पर बहुत बड़ा असर पड़ता है थ्रो
Modern techniques we can now produce magnifying images of surface of elements showing elements. कुछ ये surface of elements की magnified pictures है, ठीक है? तो क्या है? Matter is anything. Matter क्या है? Which we have. मैटर हर चीज है, हर जगह में होती है. तो मैटर किससे? मैटर की थ्री स्टेट्स होती है हमारी जो अर्थ के ऊपर. तीन स्टेट्स में ही होंगी चीजें, या तो वो सॉलिड होंगी, या वो लिक्विड होंगी, या गैसेस होंगी. वो किसकी एग्जांपल है? मैटर. मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. हम पहले कर चुके हैं. मैटर मिलके बनता है एटम से, सॉरी एलिमेंट से, आइदर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन. और एलिमेंट्स किससे मिलके बनते हैं? एटम से. आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. उसके बाद है बेटा, ये किसकी इमेज दी हुई है? एन इमेज ऑफ द सरफेस ऑफ सिलिकॉन, ठीक है? उसके बाद व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. मॉडर्न डे में जो सिंबल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स के कैसे हैं, ठीक है? सिंबल्स के थ्रू हमें जल्दी पता चल जाता है. क्लियर. उसके बाद है डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल्स. तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि वन मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. नेम द साइंटिस्ट हु वाज फर्स्ट यूज सिंबल, या विच साइंटिस्ट यूज फर्स्ट टाइम सिंबल्स फॉर द एलिमेंट्स. ये वन मार्क का क्वेश्चन आपको आ सकता है. तो डाल्टन है उन साइंटिस्ट का नाम जिन्होंने फर्स्ट टाइम एलिमेंट्स को सिंबल फॉर्म में यूज किया, ठीक है? तो उसके बाद है व्हेन ही यूज्ड अ सिंबल फॉर एन एलिमेंट ही आल्सो मीन्ट अ डेफिनेट क्वालिटी ऑफ एलिमेंट दैट इज वन एटम ऑफ एलिमेंट. बर्जीलियस सजेस्टेड दैट द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट बी मेड फ्रॉम वन और टू लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट. एक बर्जीलियस साइंटिस्ट हुए, उन्होंने बोला एक या दो नाम से भी हम सिंबल्स रख सकते हैं किसी भी एलिमेंट के. यूज किसने किया था? डाल्टन के. तो ये भी एग्जाम में आपको आ सकता है. हाइड्रोजन का उन्होंने ऐसा सिंबल बना दिया, फॉस्फोरस का ऐसा कि एक दूसरे से अलग होगी अपीयरेंस, देखने में अलग होंगे तो हमें जल्दी पहचान जाएंगे कौन सा कॉपर है, कौन सा कार्बन है, कौन सा गोल्ड है. उसके बाद ये सी कॉपर का, फिर गोल्ड का, ऐसे ही कार्बन है, ठीक है? तो उसके बाद ये सल्फर है, क्लियर. ये लेड है, ये प्लेटिना है, अलग अलग सिंबल है. और उसके बाद ऑक्सीजन का सिंबल ये रहा. उसके बाद आयरन है, सिल्वर है, मरकरी. सिंबल्स फॉर सम एलिमेंट्स एज प्रपोज्ड बाय डाल्टन. डाल्टन ये सिंबल बनाए थे. तो ये आपको एग्जाम में ड्रॉ करने आ जाएंगे. ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रॉ द सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स प्रपोज्ड बाय डाल्टन ऑफ फॉस्फोरस, कॉपर, सल्फर, प्लेटिना. कुछ भी पूछ सकते हैं, सारा नहीं पूछते, 4-5 मतलब पूछ सकते हैं, लेकिन आपको लर्न सारे करने होंगे और ड्रॉ भी करने होंगे, ठीक है? तो अपनी नोटबुक में इन्हें भी प्रॉपर नोट्स के साथ ड्रॉ कर लेना कि एग्जाम में आए फिर आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? आई थिंक आपने देख लिया होगा और ड्रॉ कर लेना, क्लियर. उसके बाद है बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट है इन द बिगिनिंग द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स वर डराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे आर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम. पहले स्टार्टिंग में जो एलिमेंट्स का नेम था वो जिस जगह से मिलते थे उस जगह के कारण उनका नाम पड़ा था, जो एलिमेंट्स का नाम है. फॉर एग्जाम्पल कॉपर. कॉपर कहाँ से मिला था? कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम साइप्रस, ठीक है? साइप्रस जगह से मिला था कॉपर. उसके बाद सम नेम्स वर टेकन फॉर स्पेसिफिक कलर. कुछ एलिमेंट्स के जो नाम है वो कलर्स के कारण है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल गोल्ड. गोल्ड वॉज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो. गोल्ड इंग्लिश वर्ड से लिया गया जिसका मतलब है येलो. आपको पता है गोल्ड का कलर क्या होता है? येलो ही होता है. नाउ अ डेज IUPAC, ये फुल फॉर्म आ सकती है बेटा आपको. IUPAC की फुल फॉर्म वन मार्क की आ सकती है. इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री.
IUPAC के अकॉर्डिंग भी आपको फिर बाद में पता चलेंगे क्या सिंबल है क्या नेम है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री अप्रूव्स नेम ऑफ सम एलिमेंट्स, उन्होंने अप्रूव किया कुछ एलिमेंट्स के नाम। मैनी ऑफ द सिंबल्स आर फर्स्ट वन और टू लेटर्स ऑफ द एलिमेंट्स नेम इन इंग्लिश, काफी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके फर्स्ट और सेकेंड लेटर ही लिए हैं, वो आगे देखेंगे हम। द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज अ कैपिटल लेटर एंड द सेकेंड लेटर एज अ स्मॉल लेटर, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी गिवन, फॉर एग्जाम्पल यहां पर दिया हुआ है, फर्स्ट है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल क्या है H, सेकेंड एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सिंबल है Al एंड नॉट Al, आप A बड़ा है और L छोटा है ऐसे ही लिखोगे बेटा, ठीक है, और L भी थोड़ा छोटा ही डालोगे, ऐसे A थोड़ा बड़ा डाला आपने तो L ऐसे, एल्यूमिनियम क्लियर। कोबाल्ट का CO, C बड़ा O छोटा, हमेशा जब भी आप सिंबल लिखोगे तो फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल एंड द सेकेंड लेटर विल बी इन स्मॉल लेटर, क्लियर। सिंबल ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड अ लेटर अपेयरिंग लेटर इन द नेम, एग्जाम्पल क्लोरीन, क्लोरीन ChLORINE, क्लोरीन का CL ले लिया, जिंक का Z और N ले लिया जो उन्हें इजी लगा, उसके अकॉर्डिंग IUPAC के अकॉर्डिंग ये नेम सारे सिंबल फॉर्म में स्मॉलेस्ट फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल हो गए कि ताकि हमें जल्दी लर्न हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद अदर सिंबल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट इन लेटिन, कुछ सिंबल लेटिन भाषा के अकॉर्डिंग, कुछ जर्मन के अकॉर्डिंग और कुछ ग्रीक भाषा के अकॉर्डिंग लिए गए। फॉर एग्जाम्पल द सिंबल्स ऑफ आयरन, आयरन का सिंबल देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल द सिंबल ऑफ आयरन इज Fe, ठीक है, फ्रॉम इट्स लेटिन नेम फेरम, ये भी आपने लर्न करने हैं अगर एग्जाम में आ गया कि आयरन जो सिंबल है वो कौन से लेटिन शब्द से बना, तो आप लिखोगे फेरम। उसके बाद सोडियम है, सोडियम का सिंबल है Na, फ्रॉम नेट्रियम, ये लर्न करने पड़ेंगे जो बुक में दिए हैं स्पेशली। उसके बाद पोटाशियम, ठीक है, सोडियम लिया गया नेट्रियम से, पोटाशियम का सिंबल है K, फ्रॉम कैलियम, जो जिस जगह से या जिस भाषा के अकॉर्डिंग मिले एलिमेंट्स उसके अकॉर्डिंग ही इनके नाम रखे गए। उसके बाद देयर फॉर ईच एलिमेंट हैज अ नेम एंड अ यूनिक केमिकल सिंबल, हर एलिमेंट का अपना एक नाम है और एक अपना अलग सिंबल है जिससे आप उसे जल्दी रिकॉग्नाइज कर लो, जल्दी पहचान लो कि ये सिंबल इसका है, इस एलिमेंट का नाम ये है। उसके बाद बेटा ये कुछ आपको टेबल दिया हुआ है, सिंबल्स दिए हुए हैं, ये आपको लर्न करने हैं, लिखने भी है, ठीक है, लेकिन ये एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग नहीं दिए गए हैं, पर फिर भी आपने लर्न कर लेना। एल्यूमिनियम का Al, आर्गन Ar, बेरियम Ba, बोरोन B, ब्रोमीन Br, क्लियर। उसके बाद कैल्शियम Ca, आपने देखा है ना C बड़ा A छोटा। उसके बाद कार्बन है क्लोरीन, C बड़ा L छोटा, कोबाल्ट CO, कॉपर CU, फ्लोरीन F, गोल्ड AU, गोल्ड का सिंबल AU है, हाइड्रोजन का सिंबल H है, आयोडीन का I, आयरन का Fe, F बड़ा E छोटा, लेड का PB, P बड़ा B छोटा, मैग्नीशियम का MG, नियोन का NE, उसके बाद है नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, ये एलिमेंट के नेम है और ये सिंबल है जो स्मॉल लेटर्स में है, सॉरी स्मॉल फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन का O, पोटाशियम का K, सिलिकॉन का SI, सिल्वर का AG, सोडियम का Na, सल्फर का S, यूरेनियम का U, जिंक का Z, क्लियर। ये आपको नेम लर्न करने हैं एलिमेंट के भी और सिंबल्स भी, ठीक है। ये प्रॉपर लर्न करोगे तो आपको इजिली न्यूमेरिकल भी आने आगे, तो आप इजिली उसे सॉल्व कर लोगे, ये अलग लिखने हैं। उसके बाद बेटा आपका पीरियोडिक टेबल होता है, उसमें 118 एलिमेंट्स है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में, तो कम से कम आपको 40-50 नाइन्थ क्लास में लर्न करने हैं, ठीक है, बाकी ज्यादा कर सकते हो तो बेटर है और कर लो। उसके बाद है बेटा एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास बेटा
most remarkable concept that Dalton atomic theory proposed was that the atomic mass. Dalton theory ने propose किया, ठीक है, remarkable एक concept जो कि atomic mass के नाम से जाना गया. According to him, each element had a characteristic atomic mass. इसके according हर element का एक proper atomic mass होगा. The theory could explain the law of constant proportion. As well as the scientists were prompt to measure the atomic mass of an atom. Since determining of a mass of an individual atom was a relatively difficult task, relative atomic mass were determined using the law of chemical combination, जो हम पहले कर चुके हैं, and compound formed. Let us take the example of compound. एक compound की हम example ले लेते हैं. वो compound था carbon monoxide. Carbon monoxide की example ली, ठीक है, किसकी एग्जाम्पल ली है, कार्बन मोनोऑक्साइड की ली है एटॉमिक मास देखने के लिए, ठीक है. कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों बोला, सिंगल है ऑक्सीजन का एटम कार्बन के साथ, फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड ऑक्सीजन. इट वाज ऑब्जर्व्ड और एक्सपेरिमेंटली दैट 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंड विद 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. कार्बन का 3 ग्राम, ऑक्सीजन का 4 ग्राम, ठीक है. It was observed experimentally that 3 ग्राम of carbon का 3 ग्राम combined with 4 ग्राम of oxygen to form carbon monoxide. In other words, carbon combined with 4, हम इसे 4/3 भी तो लिख सकते हैं ना, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का कितना ग्राम है, 4 ग्राम, कार्बन का 3 ग्राम है, तो 4/3 ग्राम भी लिख सकते हैं इसकी कंपोजिशन हम. तो इन अदर वर्ड्स, कार्बन कंबाइन विद 4/3 times इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन. सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट अर्लियर, एटॉमिक मास यूनिट AMU, बट अकॉर्डिंग टू IUPAC रिकमेंडेशंस इट इज नाउ रिटन एज U. एटॉमिक मास को कैसे हम मेजर करते हैं, U से. एटॉमिक नंबर को करते हैं Z से, ठीक है, जेड से करते हैं हम एटॉमिक नंबर, और यू उसका सिंबल है कि हमें पता चल जाएगा एटॉमिक मास मेजर करना है या मेजर किया हुआ है या एटॉमिक मास है यू से, ठीक है, 4/3. तो अगर हम इसे डिवाइड करें बेटा, 4/3 को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा, 3 1 का 3, 4 में से 3 गए 1, पॉइंट का 0, ठीक है. आई थिंक आप सबको डिवाइड तो आती है ना, तो 3 3 का 9, फिर 1 बचा, फिर 1 बचा हमारे पास, फिर एक 0 लगा लिया, फिर 3, ठीक है. तो एज इक्वल टू मास ऑफ 1 कार्बन एटम देन वी वुड असाइन कार्बन एज एन एटॉमिक मास 1, ठीक है. कार्बन को 1 भी तो ले सकते हैं ना हम, कार्बन को हमने मान लो 1 ले लिया क्योंकि 1.33 आया, ठीक है, और क्योंकि कार्बन का कम था 3 का, तो मैं इसने इसे अप्रोक्सीमेटली हमने इसका एटॉमिक मास माना 1, एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास माना हमने 1.33, ठीक है, रेशियो के अकॉर्डिंग. इसके बाद है ऑक्सीजन का कितना माना, कार्बन का हमने माना एटॉमिक मास 1 और ऑक्सीजन का कितना माना 1.33, ठीक है. तो ऑक्सीजन एज एटॉमिक मास ऑफ 1.33 यू लिखा हुआ है एटॉमिक मास. हाउएवर इट इज मोर कन्वीनियंट टू हैव दीज नंबर्स एज होल नंबर्स और नियर टू होल नंबर्स एज पॉसिबल. तो हमने सोचा कि होल नंबर ही लेना चाहिए, कैसे, इसका एटॉमिक मास. व्हाइल सर्चिंग फॉर वेरियस एटॉमिक मास यूनिट साइंटिस्ट इनिशियली टुक 1/16 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन एज ए यूनिट. साइंटिस्ट ने क्या किया कि ऑक्सीजन जो नेचुरल अकरिंग ऑक्सीजन है उसके मास का 1/16 यूनिट माना, इसी को लेकर ही मास कैलकुलेट किया, ठीक है. तो जो नेचुरल अकरिंग ऑक्सीजन है, ठीक है, उसके मास को 1/16 लेके, इसके मास को 1/16 लेके ऑक्सीजन के
ठीक है, 1/16 यूनिट माना और इसी को लेकर हमने मास कैलकुलेट किया। तो नेचुरल अक्रिंग ऑक्सीजन है उसी के मास का 1/16 यूनिट मानकर हमने मास कैलकुलेट किया, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन के द्वारा। क्यों किया, ऑक्सीजन को ही क्यों लिया, ठीक है। ऑक्सीजन रिएक्टेड विद अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्म्ड कंपाउंड्स, क्योंकि ऑक्सीजन कई एलिमेंट्स के साथ मिलके डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता है। अगर ऑक्सीजन कार्बन के साथ मिल गया तो क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर कार्बन के साथ अगर टू एटम्स मिल गए ऑक्सीजन के तो CO2 बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। ऐसे डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता है ऑक्सीजन, इसलिए ऑक्सीजन के ही मतलब यूनिट को 1/16 यूनिट को लेकर मास को कैलकुलेट किया हमने केमिकल कंपोजिशन के द्वारा। सेकंड क्यों लिया ऑक्सीजन को, दिस एटॉमिक मास यूनिट गेव मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एज होल नंबर्स। अगर हमने 1/16 मास लिया है ऑक्सीजन का तो जब दूसरे एलिमेंट्स का हम एटॉमिक मास मेजर करते हैं तो होल नंबर्स में ही आता है, ठीक है, मतलब पॉइंट में नहीं आता, 1.32 ऐसे कुछ नहीं आता, 1 है, 3 है, 2 है, ऐसे होल नंबर्स में ही आता है, क्लियर। हाउएवर इन 1961 में क्या हुआ था, 4 है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट, कार्बन 12 आइसोटोप वाज चूजन एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर, पहले तो ऑक्सीजन को लिया पर उसके बाद 1961 में उन्होंने कार्बन 12 आइसोटोप को ही स्टैंडर्ड रेफरेंस मान लिया एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए, ठीक है। वन एटॉमिक मास, अगर मान लो एटॉमिक मास डिफाइन करना आ जाए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी आ सकता है कि ऑक्सीजन को ही क्यों लिया, तो ये आप दो पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है, कि नेचुरल अकरिंग ऑक्सीजन के मास का ही 1/16 यूनिट लेकर क्यों मास को कैलकुलेट किया, तो आप ये दो पॉइंट्स लिख सकते हो। उसके बाद अगर आ गया डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट, तो ये इसकी डिफाइन है, वन एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है, ये हो गया एटॉमिक मास यूनिट की डिफाइन, एटॉमिक मास यूनिट की डिफाइन, यूनिट की डिफाइन, क्लियर। उसके बाद है मतलब कार्बन के कार्बन का जो 12 है इसके मास को ही मल्टीप्लाई कर दिया 1/12 के साथ, ठीक है, इसके रिलेशन में ही हमने दूसरे एलिमेंट्स का मास यूनिट बताना है। पहले उन्होंने ऑक्सीजन बोला, बाद में उन्होंने बोला स्टैंडर्ड रेफरेंस किसका दिया, कार्बन 12 का, उसको मल्टीप्लाई किया 1/12 से, इस मास यूनिट को ही स्टैंडर्ड रेफरेंस माना दूसरे एलिमेंट्स का मास यूनिट निकालने के लिए, क्लियर। बाकी आगे हम करेंगे बेटा, फिर आपको समझ आ जाएगा। द रिलेटिव एटॉमिक मासेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड विद रिस्पेक्ट टू एन एलिमेंट ऑफ कार्बन 12, इमेजिन आ, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, इमेजिन आ फ्रूट सेलर सेलिंग फ्रूट्स विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट विद हिम, कि कोई फ्रूट सेलिंग कर रहा है, बेच रहा है बिना किसी वेट के, उसके पास वेट नहीं है स्टैंडर्ड वेट के, ही टेक्स अ वाटरमेलन एंड से दिस हैज अ मास इक्वल टू 12 यूनिट, उसने वाटरमेलन ले लिया का, ठीक है, उसे बोला कि ये 12 यूनिट के बराबर है इसका मास, 12 वाटरमेलन यूनिट और 12 फ्रूट मास यूनिट्स, ही मेक 12 इक्वल पीसेस ऑफ वाटरमेलन एंड फाइंड द मास ऑफ ईच फ्रूट ही इज सेलिंग रिलेटिव टू द मास ऑफ वन पीस ऑफ वाटरमेलन, नाउ ही सेल्स हिज फ्रूट बाय रिलेटिव फ्रूट मास यूनिट FMU, ठीक है, एज इन फिगर 3.4। उसने क्या माना कि वाटरमेलन को ही क्या मान लिया, कार्बन मान लिया, ठीक है, ये वाटरमेलन का एक पूरा पीस लिए से कार्बन मान लिया, उसके 12 पीस कर दिए जैसे हमने बोला था, ठीक है, कार्बन 12 के मास को मल्टीप्लाई कर देना 1/12 से, 12 पीसेस है 1/12 ऑफ, ठीक है, वाटरमेलन, तो उसने 12 पीसेस ले लिए, उसका एक पीस एक साइड पर रखा और दूसरे फ्रूट्स रखे, फिर उसका मास उसने मास यूनिट मेजर कर दी, ठीक है, 1/12 लिखा हुआ ना, एक पीस लेके 12 में से किसी दूसरे फ्रूट का उसने मास मेजर कर दिया। उसके बाद है देखो, पहले वाटरमेलन लिया, बी में 12 पीसेस किए,
फिर एक पीस का 1/12 जैसे फॉर्मूला बताया, कार्बन 12 मास मल्टीप्लाई बाय 1/12 ऑफ वाटरमेलन, हाउ द फ्रूट सेलर कैन वे द फ्रूट यूजिंग पीस ऑफ वाटरमेलन, ठीक है। सिमिलरली द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज एवरेज मास, ये भी लिख सकते हो एटॉमिक मास यूनिट बेटा आप, अगर एग्जाम में आ गई ये वाली अगर नहीं लिखनी, वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू, ये भी राइट है। अगर आप ये लिखोगे, इधर भी दिया हुआ है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास ऑफ द एटम, एटॉमिक मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज एन एवरेज, एवरेज मास ऑफ एन एटम एज कम्पेयर टू 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम, ये भी आप ए एम यू के एटोमिक मास यूनिट की डिफाइन कर सकते हो, ए एम यू यहाँ पर लिख दी, ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, दोनों ही राइट है। उसके बाद एटोमिक मास है कुछ एलिमेंट्स के, ये मैं प्रॉपर समझाऊंगी कैसे मेयर करते हैं, ठीक है। एटोमिक नंबर मैंने बोला था जेड से मेयर करते हैं, ठीक है, एटोमिक नंबर जेड से, एटोमिक मास यू से, तो हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, कैसे मेयर करते हैं मैं अभी बताती हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद है बेटा हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, एटम कैसे एग्जिस्ट होते हैं, एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कुछ एटम एलिमेंट्स के एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। एटम्स पहले मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और आयन्स बनाते हैं, दिस मॉलिक्यूलर आयन एग्रीगेट इन लार्ज नंबर, फिर मिलके ये मैटर की कुछ टू फॉर्म द मैटर दैट वी कैन सी, कुछ मैटर का बनाते हैं शेप साइज कुछ पदार्थ बनाते हैं, जो हम मैटर क्या होता है जो जिसे हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है, आदर सॉलिड लिक्विड और गैस। उसके बाद क्वेश्चन है डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट, तो यही वाला जो मैंने अभी बताया वो लिख सकते हो, व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद एन नेकेड आई, ठीक है, एलिमेंट्स को हम अपनी खुली आंखों से क्यों नहीं देख सकते, क्यों, क्योंकि आप लिख सकते हो एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, बिकॉज एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, एटम्स आर, लिखोगे इसका आंसर, बिकॉज एटम्स आर स्मॉल इन साइज, बहुत छोटे हैं, ठीक है, एग्जिस्ट यहां पर लिखा हुआ है इंडिपेंडेंटली, ठीक है, एटम्स आर स्मॉल इन साइज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेकेड आई, क्लियर। तो उसके बाद बेटा एटॉमिक मास कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए मैंने टेबल बनाया है, मैंने यहां पर बेटा 20 एलिमेंट ही लिखे हैं, ठीक है, यहां पर मैंने सिर्फ 20 एलिमेंट ही लिखे हैं, तो आप नोट कर सकते हो। एटॉमिक नंबर बेटा जेड से शो करते हैं इसे, एटॉमिक नंबर जेड है, एटॉमिक मास क्या है, यू है, क्लियर। पहले मैं फाइंड करना आपको बताती हूँ बेटा, इसका एक फॉर्मूला होता है, जितने भी मतलब अभी यहां पर मैंने 20 लिखे, मैंने बोला जितने 108 होते हैं एलिमेंट्स, जितने लर्न होते हैं पीरियोडिक टेबल से आपको करने हैं, 50 तो बहुत जरूरी है, बाकी आप 10th में भी कर सकते हो। देखो बेटा यहां पर मैंने 20 लिखे हुए एलिमेंट्स, ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास मेजर करने का, कि हमने क्या करना है, अगर हमने इवन वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक मास निकालना है, ठीक है, इवन वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक मास करना है, तो 2 × z कर देना है, बस 2 × कर देना है, एटॉमिक जो भी नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, किसको, इवन वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, जैसे क्लास में हमारे रोल नंबर होते हैं ना, ऐसे ही एलिमेंट्स के पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर एटॉमिक नंबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद है अगर ऑड नंबर आ गए बेटा, तो करना उसे भी ऐसे ही है 2 × z, लेकिन उसमें 1 ऐड कर देना है,
ये दो फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। जितने भी इवन एलिमेंट है, इवन एलिमेंट है जिनका एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर इवन है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो ऑड है उसे 2 से मल्टीप्लाई भी करना है और प्लस 1 करना है। ठीक है, एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं, यड के साथ, एटॉमिक मास को यू के साथ। अब इसमें से देखते हैं और कुछ एक्सेप्शंस भी हैं बेटा इसमें कि जो जिन पर ये फॉर्मूला नहीं लगता, पहले वो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी एक्सेप्शंस हैं। वो है हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, उस पर स्टार बना देती हूँ, इन पर ये फॉर्मूला नहीं लगता। ठीक है, स्टार बना दिए मैंने 20 में से, अभी और भी हैं बाद में देख लेंगे, फिलहाल 20। हाइड्रोजन, इस पर ये फॉर्मूला नहीं लगता। उसके बाद बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, उसके बाद नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, और उसके बाद है आपका बेटा एटॉमिक नंबर 17 और 18। क्लोरीन है 17 पर, 17 और 18, इन पर ये फॉर्मूला इवन ऑड वाला नहीं लगता, ये एक्सेप्शन वाला है, एक्सेप्शन केस है इनका, तो ये मैं बताऊंगी बाद में। पहले जो इवन ऑड का जिस पर फॉर्मूला लगेगा वो हम कर लेते हैं, एटॉमिक मास निकाल लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट का तो मैंने बताया, जो हाइड्रोजन एक्सेप्शन है इसे हमने छोड़ दिया। सेकंड एटॉमिक नंबर किसका है, हीलियम का, ये एटॉमिक नंबर है बेटा, इन पीरियोडिक टेबल आपको लर्न करने हैं, ऐसे ही होते हैं। जैसे हमारे क्लास में रोल नंबर नहीं लर्न करेंगे, रोल नंबर रॉन्ग हो गया हमारा एग्जाम में तो हमारा रिजल्ट ही नहीं आएगा। ऐसे पीरियोडिक टेबल में अगर आपने आगे पीछे कर दिया, एटॉमिक नंबर मस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपके न्यूमेरिकल निकलेंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही पहचान है एलिमेंट्स की इन पीरियोडिक टेबल, क्लियर। जैसे आपकी रोल नंबर वाइज पहचान है क्लास में। उसके बाद है बेटा सेकंड एटॉमिक नंबर किसका था, हीलियम का। इसका हमने एटॉमिक नंबर तो हमें पता है 2 है, इसका हमें एटॉमिक मास निकालना है, तो इवन के लिए क्या फॉर्मूला था, 2 से मल्टीप्लाई कर देना एटॉमिक नंबर को। तो हीलियम 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 तो कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, इसका एटॉमिक मास कितना हो गया, 4 हो गया। लिथियम का 3 है, तो ये क्या है, इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है। ठीक है, 2 इवन नंबर था तो 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करना था एटॉमिक नंबर को, 4 हो गया। लिथियम क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, 2 मल्टीप्लाई जेड प्लस 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें प्लस करना है। तो ठीक है, अब ऐसे देख लो, अगर आपको नहीं पता चलता 3 है, सॉरी इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो 2z है ब्रैकेट में प्लस 1, ये इसका फॉर्मूला है, 3 2 का 6, 6 प्लस 1। ठीक है, जेड इसका एटॉमिक नंबर है तो 7 आ गया। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 7, ये याद रखना है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 7, लिथियम का एटॉमिक नंबर 7 हो गया। अब बेरिलियम मैंने बोला था एक्सेप्शनल केस है, इसे छोड़ देना है। बोरोन है 5, 5 क्या हो गया, फिर अगेन ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो 5 मल्टीप्लाई 2 10 हो गया, और उसमें एक ऐड कर देना है, एटॉमिक नंबर इसका 5 है, उसमें उसको 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 10 में 1 ऐड किया तो 11, इसका एटॉमिक मास है जो वो कितना आ गया बेटा, 11। ठीक है, एटॉमिक नंबर है 5, एटॉमिक मास आ गया 11। अब कार्बन है, कार्बन 6 है, इवन नंबर है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 12। उसके बाद नाइट्रोजन, फिर एक्सेप्शन नहीं कर रहे हम, ऑक्सीजन इवन नंबर है, फिर 2 से ऐड कर दिया 8 2 का 16। अब 9 फ्लोरीन है, ऑड नंबर है। ठीक है, तो इसके पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 2 का 18, 18 में एक ऐड किया 19। नियोन 10 है, इवन है तो 2 से मल्टीप्लाई किया 20। सोडियम ऑड है, 2 से पहले मल्टीप्लाई किया 11 2 का 22 और 23 एक ऐड करते हैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। मैग्नीशियम 12 है, इवन नंबर है तो 12 2 का 24। एल्युमिनियम ऑड नंबर है, 13 2 का
26 और 1 ऐड किया 27, सिलिकॉन 14 है, इवन नंबर है 28, ठीक है। उसके बाद फॉस्फोरस 15 है, ऑड नंबर है 31, कैसे 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया 30, उसमें 1 ऐड करना है 31 आ गया। उसके बाद सल्फर है, सल्फर 16 है, इवन नंबर है 32 हो गया, 16 2 का 32, क्लोरीन आर्गन एक्सेप्शन है, बाद में करते हैं। पोटाशियम 19 है, ये ऑड है तो 19 2 का 38 और 1 9, कैल्शियम का 20 है, 22 का 40, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब जो एक्सेप्शनल है उन्हें कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले हाइड्रोजन का चाहे एटॉमिक नंबर है चाहे एटॉमिक मास है बेटा, 1 नहीं होता है, एक्सेप्शनल है, इसलिए इसको नहीं 2 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। हाइड्रोजन का चाहे एटॉमिक नंबर है चाहे मास है, 1 ही रहता है। उसके बाद बेरिलियम है बेटा, एक्सेप्शन वाले करने थे हमने। बेरिलियम देखो, हमने बोला था जो इवन नंबर वाले हैं उन्हें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है ना, लेकिन इसमें इसका ऑपोजिट फॉर्मूला लगना है, ये ऑड की तरह लेंगे हम, ठीक है। 4 2 का 8 और 1 9, इसका एटॉमिक मास 9 आएगा। उसके बाद नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन बेटा 7 है, ऑड है, ठीक है। नाइट्रोजन क्या है, 7 है, ऑड है, तो इसका इवन के जैसे लेंगे, 7 2 का 14, इसका 15 आना चाहिए था ना, जैसे हमारा फॉर्मूला था ऑड वाला, लेकिन नाइट्रोजन में ऑड वाला फॉर्मूला नहीं, इवन वाला फॉर्मूला लगना है, 7 2 का 14। उसके बाद बेटा क्लोरीन है, फॉर्मूला इसमें वही लगना है इवन ऑड का, क्लोरीन और आर्गन में, क्लोरीन और आर्गन में फॉर्मूला तो सेम ही लगना है, क्लोरीन और आर्गन में फॉर्मूला तो सेम ही लगना है, ठीक है। लेकिन 17 2 का 34 होता है ना, ठीक है, 17 है तो ऑड नंबर है, ठीक है। ऑड में क्या करना था, 17 2 का 34 और 135 आ गया, लेकिन इसमें 0.5 और ऐड होने हैं, इसलिए एक्सेप्शनल है, ठीक है। ऐसे ही आर्गन है, आर्गन में बेटा क्या होना है, आर्गन में 18 क्या है, इवन नंबर, 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया 36 आता है, ठीक है, लेकिन इसमें 4 और ऐड हो जाने हैं, 40 हो जाना है इसका एटॉमिक मास। इसमें 4 प्लस होने हैं आर्गन में, प्लस 4 होने हैं, याद रखना है इसमें 0.5 जब एटॉमिक मास निकालना है। 80 लिख देती हूँ एटॉमिक मास, ठीक है, आर्गन का 40 है जैसे कैल्शियम का है, ये आपने याद रखने हैं बेटा एटॉमिक मास प्रॉपर, अपना जब नोट्स बनाओगे प्रॉपर लिखना, ये 7 है लिथियम का, कंफ्यूज ना होना, बस यही फॉर्मूला, इवन के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना एटॉमिक नंबर को, ओड के लिए 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें प्लस 1 होना। कुछ एक्सेप्शनल थे हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, ठीक है, क्लोरीन और आर्गन, ठीक है, क्लोरीन और आर्गन, इनके लिए कंफ्यूज नहीं होना आपने, प्रॉपर लिखना है और अपना टेबल बनाना है, ठीक है। स्टे सेफ एट होम प्लीज, सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, राइट इन कमेंट बॉक्स, ठीक है, आई विल ट्राई टू सॉल्व यूर प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। स्टे सेफ एट होम, स्प्रेड पॉजिटिविटी, ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।